हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर पेपर देखा जाए तो पेपर आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 6 एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जिसमें आपको 3 एक्सप्लेनेशन करनी होगी और एक एक्सप्लेनेशन का मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स की एक एक्सप्लेनेशन होगी। इसके बाद आपको 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको कोई 7 करने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होगा वो 3 मार्क्स का ही होगा। इसके बाद आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। याद रखें, इस पेपर में कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता है। मीन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आपको 3 एक्सप्लेनेशन करनी होगी, 7 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे और 4 यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहले हम यहाँ पर लॉन्ग से शुरुआत करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, अटेम्प ए ब्रीफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वाइल्ड कॉर्नेलियन बॉय बाई डब्ल्यू सी वेंटवर्थ। मीन डब्ल्यू सी वेंटवर्थ के अनुसार जो वाइल्ड कॉर्नेलियन बॉय पोयम है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर लिखना है। वाइल्ड कॉर्नेलियन बॉय जो पोयम है उसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन आलोचनात्मक व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ए नोट ऑन एडा कैम्ब्रिज एज अ राइटर एंड पोइटेस विद रेफरेंस टू द पोयम एंड आंसर। मीन आपको एडा कैम्ब्रिज के बारे में लिखना है एज ए राइटर एज ए पोइटेस। मीन कि वह किस तरीके से एक अच्छी राइटर थी और पोइटेस थी। रेफरेंस देना है आपको एन आंसर का। मीन एन आंसर जो पोयम है उसकी राइटर एडा कैम्ब्रिज है, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द व्यूज ऑफ क्रिस वेलेक क्रेबे एज एक्सप्रेस इन द पोयम मेलबर्न। आपको यहाँ पर क्रिस वेलेक के व्यूज के बारे में बताना है, जो उन्होंने मेलबर्न पोयम में एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच क्वेश्चन आर अस्ड बाई स्पीकर इन द पोयम मिस्टर मैन। मिस्टर मैन में स्पीकर के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। या फिर और करके यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने और लिया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, आपको इसी पोयम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो दोनों ही एक जैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ही क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे। तो आप दोनों में एक ही, अगर दोनों किसी तरह का क्वेश्चन आए आपको एक ही लिखना होगा। जो क्वेश्चन है आप उसको ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ब्रिंग आउट द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड माइजरी इन मॉडर्न मैन एज प्रेजेंटेड इन द जू स्टोरी। जू स्टोरी में जो थीम्स है आइसोलेशन और माइजरी की, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिया है गिव द कैरेक्टर ऑफ जेरी। जेरी के कैरेक्टर को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है राइट एंड नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ रेनी विलफोर्ड एंड वेरियस ट्रेजिक एक्सपीरियंस दैट हैपन इन हर लाइफ। आपको रेनी विलफोर्ड के कैरेक्टर के बारे में लिखना है और साथ साथ आपको उसके सभी ट्रेजिक एक्सपीरियंस को भी बताना है जो उसकी लाइफ में हुए हैं। मैं रेनी विलफोर्ड के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है और साथ साथ उसकी लाइफ में जो जो अनुभव वहाँ पर हुए थे, जो जो ट्रेजिक एक्सपीरियंस थे उसके, आपको उसको भी एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द डोमिनेंट फीलिंग ऑफ द नोवेल बॉडली हार्म इज पेसिमिज्म, एलाबोरेट। आपको बॉडी हार्म को, जो बॉडी हार्म यहाँ पर ऐसे हैं, आपको उसकी डोमिनेंट फीलिंग के बारे में लिखना है। ये प्रूव करना है कि वो एक पेसिमिज्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है राइट इन योर वर्ड द मेन इश्यूज रेज इन एलाइस वॉकर्स एसे इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन। मीन एलाइस वॉकर का जो एसे है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन,
इसमें कौन कौन से मुद्दों को उठाया गया है, किस मेन मुद्दों को उठाया गया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 9 क्वेश्चंस में अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एक तो पे क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एडा कैम्ब्रिज वाला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमने यह लिया है, व्हाट वर द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। जो वाइल्ड कॉलोनियल बॉयज थे उनके ग्रुप का क्या डिसीजन था। आपको उन वाइल्ड कॉलोनियल बॉय द्वारा लिए गए डिसीजन को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, ब्रिंग आउट द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट इन द पोएम एन आंसर। एन आंसर पोएम में वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, हाउ हैज द पोइट एक्सप्रेस हिज अटैचमेंट विद नेचर ऑब्जेक्ट। पोइट का नेचर के ऑब्जेक्ट से मीन प्राकृतिक वस्तुओं से किस प्रकार का लगाव था, आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टर्स इन द जू स्टोरी। जू स्टोरी में लव हेट रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना है दो कैरेक्टर्स के बीच में। दो कैरेक्टर्स के बीच में वहाँ पर लव एंड हेट रिलेशनशिप दिखाया है, तो आपको जू स्टोरी में उसी के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, हाउ डज जेरी कमिट सुसाइड। जेरी ने किस तरीके से सुसाइड की थी, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द जू स्टोरी। द जू स्टोरी के टाइटल के महत्व को आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, राइट ए नोट ऑन द माइक ऑफ द वर्ल्ड। द माइक ऑफ द वर्ल्ड पर आपको यहाँ पर नोट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, राइट ए नोट ऑन पॉल रेनी रिलेशनशिप। पॉल और रेनी इन दोनों के रिलेशनशिप पर आपको यहाँ पर नोट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ब्लैक वोमेन इन बॉडीली हार्म। बॉडीली हार्म में ब्लैक वोमेन की क्या परिस्थिति थी, क्या कंडीशंस थी, आपको उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और हमने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एंड नोट ऑन डॉक्टर मिनो। डॉक्टर मिनो के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए, आपको ये 7 करने के लिए आएंगे। तो इसमें भी अगर हम इम्पोर्टेंट की ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी आनी है पेपर में, तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेनेशन भी ली है। एक्सप्लेनेशन जो हमने ली है, पहली, सरेंडर नाउ जैक डूलन यू सी देयर्स वन टू सरेंडर इन द क्वींस नेम इट्स ऑफ विक्ट्री वन। ये हमने पोएम से ली है द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय से, और इसके जो पोइट हैं वो WC वेंटवर्थ हैं। तो ये वाला जो हमने पार्ट लिया है पोएम का, ये वाइल्ड कॉलोनियल बॉय से है, राइटर WC वेंटवर्थ। इसके बाद दूसरी हमने जो स्टेंजा यहाँ पर लिया है, आई नो दाई लव लव दी ऑल आई कैन आई फेन वुड लव दी ओनली टिल आई डाई बट आई मे समडे लव ए बेटर मैन एंड दाउ मस्ट फाइंड अ बेटर मैन देन आई सम वांट सम चिल मे स्टिल टिक्स हार्ट एंड हार्ड एंड देन वी मस्ट बी फ्री टू किस एंड पार्ट। ये वाला जो हमने स्टेंजा लिया है, ये पोएम एन आंसर से है, और उसके जो पोइट है वो एडा कैम्ब्रिज है। तो ये वाला जो हमने स्टेंजा लिया था वो एन आंसर पोएम से लिया है, और जो पोइट है वो एडा कैम्ब्रिज है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन अधिकतर आ जाती है।
इसके बाद हम थर्ड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो थर्ड स्टेंजा हमने यहाँ पर लिया है, वी सी द न्यूज़ रील वेन डाइन इन टाउन, आइडियाज़ आर ग्रोन इन अदर गार्डन्स वाइल, दिस चॉकलेट सॉइल थ्रोन इन द इट्स हार्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टेड एंड डेडेसस प्लेटिट्यूड्स, नन ऑफ देम फ्लोवरिंग बोल्डली और फॉर लॉन्ग, हमिंग ए बार टू ऑफ रस्टी सॉन्ग, ऑल ट्यून्स आर गुड इनफ इफ वी सिंग वी मस्ट। ये थर्ड जो हमने स्टेंजा लिया है ये लिया हमने मेलबर्न पोएम से, और इसके पोइट हैं वो है क्रिस वेलेक। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है जो कि हमने मेलबर्न से लिया है। याद रखेंगे जो पोइट है इसके वो है क्रिस वेलेक। इसके बाद हमने यहाँ पर फोर्थ स्टेंजा की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेंजा है, इफ़ परचांस यू फाइंड द एजेंट्स लाइफ फोर्स इन लैंड ऑल गिविंग एक्सप्रेशन टू सेल्फ द सोल फोर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड गॉड सोल इन ऑल थिंग्स अराउंड द एजेंट्स ऑफ लाइफ, देन यू लिव, देन इंडीड मिस्टर मैन यू डिड यू। इस पैराग्राफ को हम पढ़ने पर ही आपको पता चल रहा है कि ये मिस्टर मैन से लिया गया है, लास्ट में मिस्टर मैन भी यहाँ पर आ गया। तो ये पोएम जो है वो मिस्टर मैन है, और जिसके पोइट हैं वो है केविन मैथ्यू गिलबर्ट, मीन के एम गिलबर्ट इसकी पोइट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फाइव को देखते हैं। तो फाइव इन द एगोनी ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन हु माइट हैव बीन पोइट्स नॉवलिस्ट एसिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हु डाइड विद देयर रियल गिफ्ट स्टिफाइड विद देम। ये जो हमने पैराग्राफ लिया है ये पैराग्राफ लिया है एसे से, इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, मीन ये एसे है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, और इसके जो राइटर हैं वो है एलाइस वॉकर। तो हमने यहाँ पर फाइव एक्सप्लेनेशन ली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए थे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर हम एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेवन एट और नाइन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। लॉन्ग में अगर देखे जाए तो लॉन्ग में हमने क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर एट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें।